हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एडवर्ड मैथाबासी बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो चैनल। भाई कैसे हो? कोई आज की वीडियो व्लॉग नहीं, जैसे एज यू माइट नो किस चैनल पे ज़्यादातर व्लॉग्स भी अपलोड होते हैं, बट इट्स अ सिट डाउन वीडियो। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है माई लाइफ एज अ पंजाबी। एंड मैंने पंजाब कॉलेज में ऑलमोस्ट लाइक टू ईयर्स, ऑलमोस्ट नहीं मतलब हाँ ऑलमोस्ट कह सकते, बिकॉज दो साल आपको पता है कि पेंडेमिक रहा है, तो दो साल मैंने पंजाब कॉलेज में स्टडी की है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी मैट्रिक करके बाहर आए हैं और मतलब चाहते हैं कि कोई अच्छा सा कॉलेज ढूंढे। तो मैंने बेसिकली पंजाब कॉलेज से पढ़ा, तो मैं आज आपको पंजाब कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और शायद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का पूरा अंदाज़ा हो जाए कि भाई पंजाब कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो क्या आपको फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, अगर नहीं लेने चाहिए तो उसके क्या रीजंस हैं। तो आज की वीडियो वही है। तो भैया अगर चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, बिकॉज आई अपलोड दिस काइंड ऑफ ऑसम वीडियोस ऑन दिस चैनल। और भाई लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने विच के द सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले ना मैंने आई थिंक एडमिशन लिया था पंजाब कॉलेज में 2019 के अंदर, तो 2019 में मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया था। एंड भाई पंजाब कॉलेज की जो रेपुटेशन है ना ओवरऑल इंटरनेट पे जो है, आप फेसबुक पे देखते हो मीम्स वगैरह पे, बहुत ख़राब है। लोग कहते हैं पंजाब कॉलेज ऐसा पंजाब कॉलेज वैसा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मीम्स की हद तक और ओवरऑल लाइक सोशल मीडिया की हद तक हम सोचते हैं कि पंजाब कॉलेज और लाइक इस तरह का है उस तरह का है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पंजाब कॉलेज रियलिटी में ऐसा नहीं है जिस तरह कि आपको मीम्स में दिखाया जाता है। आपको कॉलेज में एयर कंडीशन रूम्स दिए जाते हैं, मतलब कि इसी लगा होता है अगर गर्मियों में। तो टीचर्स बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, मतलब मैंने अपनी मतलब जो पढ़ा है पंजाब कॉलेज में तो मैंने ये चीज़ नोटिस की, बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। टीचर्स को रखने के लिए पंजाब कॉलेज में पूरा क्राइटेरिया अवेलेबल है, मतलब कि हर टीचर नहीं पंजाब कॉलेज में जा सकता, इसके पास जिसके पास लाइक फुल नॉलेज होता है वो जा सकता है पंजाब कॉलेज में। तो पंजाब कॉलेज का जो टीचर सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी बहुत अच्छा है, फीमेल टीचर्स नहीं होती, बहुत कम रेयर केसेस में आपको मेल टीचर्स ही पढ़ाते हैं। तो ये सीन है भाई कि पंजाब कॉलेज इज़ वेरी गुड। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने इवनिंग शिफ्ट में पढ़ा है और इवनिंग का ये सीन होता है कि हाफ फीस में आपको पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 97 है आईसीएस की फीस 97,000 फॉर होल ईयर, तो आपको 47,000 पे करनी पड़ती है सेमेस्टर्स के हिसाब से, मतलब दो दो महीने के बाद पे करनी पड़ती है फीस, ठीक है। तो मैंने इवनिंग से पढ़ा है बिकॉज हाफ फीस होती है और टीचर्स बिल्कुल सेम होते हैं, बट टाइमिंग का थोड़ा इशू होता है। मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इवनिंग में पढ़ो, बेसिकली ये है कि इवनिंग जो है वो हर पंजाब कॉलेज की ब्रांच में नहीं होती, मेरी वाली ब्रांच में थी जो हमारा कैंपस है बेसिकली जिससे देखिए चौक में इधर, तो उधर आपको जो है वो देखने को मिलती है इवनिंग शिफ्ट। और अगर आप अपने फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप इवनिंग में जा सकते हो, लेकिन मेरा मानना यार इवनिंग जो है ना वो थोड़ी सी मतलब सख्त हो जाती है। मैंने अभी अपने दो सालों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया कि आप जब रात को घर आते हो फुल टाइमिंग में, वैसे जब क्वारंटीन स्टार्ट हो गया था और पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था ये कोविड, तो इसके बाद तो क्लासेस छोटी हो गई थी, तीन से साढ़े पाँच तो ये सिर्फ 3 घंटे क्लास हुआ करती थी। लेकिन फिर भी जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे तो ऑलमोस्ट लाइक रात हो जाती थी, तो और पढ़ने के अंदर टाइम नहीं मिलता था आपको, सुबह का टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। तो मेरे हिसाब से इवनिंग इज लाइक नॉट गुड। बाकी ये कि टीचर्स बहुत अच्छे थे, मेरी लाइक हिस्ट्री में टीचर होते थे, उर्दू के टीचर थे, सर राजा ने उनका नाम था, ही वॉज क्वाइट गुड, मतलब बहुत अच्छे थे और मतलब उर्दू पढ़ाते थे ना, तो वो पढ़ाते थे उससे ज़्यादा वो शुगर लगाते थे। और लाइक मतलब हमने उनकी ओवरऑल सुपरविजन में ग्रेड्स भी अच्छे लिए हैं और उन्होंने पढ़ाया भी काफ़ी अच्छे। तो और मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि आप पंजाब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, इज़ नो इशू एट ऑल। यहाँ पर अगर आप दो भाई हो और तीन भाई हो या फिर ज़्यादा भाई हो, ज़्यादा सॉरी मतलब ज़्यादा, तो आप ज़्यादा मतलब फी कंसेशन ले सकते हो, अच्छा खासा फी कंसेशन ले सकते हो अगर आप किनशिप कहते हैं बेसिकली इसको। करने का मकसद ही कि पंजाब कॉलेज की रेपुटेशन सोशल मीडिया ने ख़राब की हुई, इतना पंजाब कॉलेज ख़राब नहीं है, पंजाब कॉलेज में जा सकते हो और नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज है पंजाब कॉलेज। वो अलग बात है कि हर कॉलेज में आपको अच्छे बुरे लड़के देखने को मिलते हैं और कंपनी हर कॉलेज में भी हर कॉलेज में बुरी होती है, स्कूल में भी बुरी होती है, लेकिन आपको अपनी कंपनी अच्छी रखनी है, दोस्तों को अच्छा रख कर। लेकिन पंजाब कॉलेज का एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ चलो पंजाब कॉलेज की जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बुरी है, वो है सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपके ग्रेड्स के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया जाता है जिसमें आपको बिठाया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेक्शन तो काफ़ी अच्छा था जिसमें मुझे बिठाया गया था। बट जो सेक्शंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 मार्क्स वाले हो तो आपका एक सेक्शन होगा, अगर आप 900 मार्क्स वाले हो तो आपका एक सेक्शन होगा, अगर आप 800 वाले हो या 700 वाले तो आपका एक सेक्शन होगा। तो मतलब बहुत सारे सेक्शन में डिवाइडेड है। टीचर्स मैं पहले बता रहा हूँ सारे वेल क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स की पूरी गैदरिंग होती है ना वो वैसी ही होती है जैसे आप हो, मतलब अगर आपने 750 मार्क्स लें तो आपके साथ बैठा हुआ भी हो सकता है 750 वाला ही हो।
तो ये बात है कि पंजाब कॉलेज इज़ गुड, आप एडमिशन ले सकते हो और एडमिशन से प्री क्लासेस ज़रूर लेना जो प्री क्लासेस होती है पंजाब कॉलेज की, बिकॉज पंजाब कॉलेज की जितनी जो भी प्री क्लासेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि मैंने प्री क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन जो प्री क्लासेस होती है ना वहाँ पे वो बहुत सारा कोर्स आपको पढ़ा देते हैं, और जब आप बहुत सारा कोर्स पढ़ लेते हो तो उससे अल्टीमेटली ये होता है कि आप बाकी स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे होते हैं उनसे थोड़ा सा आगे चल रहे होते हैं, आपको पता होता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और पंजाब कॉलेज की जो अटेंडेंस है ना वो ऑनलाइन लगती है, और अगर आप ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि पंजाब कॉलेज में आपके स्टूडेंट मार्क्स आपकी हर चीज़ घर जाती है आपके जब आपने नंबर दिया होता है, तो जो नंबर दे रहा ना थोड़ा सोच समझ के नंबर देना इसका भी देना, बट नंबर देने के बाद वो टीचर के सामने बैठ के दी जाती है। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस 2 साल पंजाब कॉलेज का, और मैं कंक्लूजन ये निकालता हूँ कि आप पंजाब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, जितनी रेपुटेशन सोशल मीडिया ने ख़राब की भी है वैसी नहीं है। तो अब तो आपको आज की वीडियो पसंद आई, उसे लाइक करना, चाहे मैं सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे मजीद सिट डाउन वीडियोज़ और व्लॉग्स देखने के लिए कि सब्सक्राइब टू इस चैनल बिकॉज इट्स फ्री। सो मैं समझता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज माय फाइनल सम नेक्स्ट मंथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।